नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के आदेश पर गरीब भिक्षावृत्ति करने वाले, पन्नी बिनने वाले और नशा करने वाले बच्चों के सुधार के लिए ऑपरेशन बचपन बचाओ अभियान रेड क्रॉस के माध्यम से चलाया जा रहा है। 5 अगस्त से चलाए गए अभियान में अब तक 40 से अधिक बच्चों को समझाइश दी जा चुकी है और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अब तक दी गई समझाइश के बाद लगभग सभी बच्चे अब इन कृतियों को करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अभियान के तहत रेड क्रॉस की टीम शहर के ऐसे सभी चिन्हित स्थानों पर जहां इन बच्चों के होने की संभावना है वहां पर जाती है और उन बच्चों से चर्चा कर उन्हें समझाइश देती है। साथ ही साथ उनके माता पिता अभिभावकों से भी इस बारे में चर्चा कर समझाइश देकर उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास इस अभियान के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। ऑपरेशन बचपन बचाओ अभियान के नोडल अधिकारी उमेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत प्रत्येक बुधवार को रथ के माध्यम से टीम विभिन्न स्थानों पर जाती है और बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाइश देती है। यह अभियान रेड क्रॉस के मार्गदर्शन में सतत जारी है। ये जो अभियान है ऑपरेशन बचपन बचाओ, ये माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार को चलाया जा रहा है। इसमें हम भिक्षावृत्ति जो कर रहे हैं बच्चे वो, और पन्नी बिनने वाले बच्चे और जो नशा कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर नीमच जिले में पूरे में इधर जाते हैं, पूरी बस को अपनी टीम को साथ में लेके, और उसमें जो भी बच्चा पन्नी बिनता हुआ या भीख मांगता नजर आता है उसको अपन पूरी टीम समझाइश देती है और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स को भी समझाई दी जाती है। अब तक 3 माह में किन किन क्षेत्रों में जा चुके और कितने बच्चों की समीक्षा अब तक हो चुकी है? जैसे नीमच नगर में हम जैसे धान मंडी है, यहाँ पर अपना बस स्टैंड है, गणेश मंदिर चौराहा है, सीआरपी चौराहा है, लगभग सभी जो महत्वपूर्ण चौराहे शहर के हैं वहाँ पर सभी जगह जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट और इधर, और बच्चे मिले भी हैं हमारे को। लगभग अभी करीब 40 बच्चों के आसपास हमने सभी को समझाइश दी है। इन बच्चों को फिर बाद में आप कहाँ रखते हैं, जैसे अगर ये समझाइश में डालते हैं तो फिर? हाँ, फर्स्ट बार अभी तक हमारे पास ऐसा कोई बच्चा रिपीट नहीं आया है कि वो डबल हमारे को दिखा हो कि वो भीख मांगता हुआ है या बन्नी बिनता हुआ है या ऐसा कोई डबल रिपीट नहीं हुआ है। अगर डबल ऐसा रिपीट होता है तो हम उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाल कल्याण समिति जो उनका निर्णय करती है, जैसे बाल आश्रय गृह में रखना या जो भी उनको समझाइश देकर छोड़ना, वो उनका निर्णय रहता है। अभियान कब चला था और कब से कब तक? 5/8/2020 को हमने प्रारंभ किया था और प्रति बुधवार चल रहा है।